Okay, तू इतनी बला की हसीन है और जवान है कि हम तुझे कभी न मारते। कौन है वो आदमी? कौन है वो आदमी? दोस्तों आज की वीडियो 1947 से 1985 तक बॉलीवुड के एक्टर डायरेक्टर प्रेमनाथ मल्होत्रा उर्फ प्रेमनाथ के डायलॉग एक्शन सीन और उनकी बायोग्राफी पर बनाई गई है। 21 नवंबर 1926 को पाकिस्तान के खैबर पख्तून राज्य के पेशावर में जन्म हुआ था हिंदी फिल्मों के अभिनेता प्रेमनाथ का। प्रेमनाथ पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर के शुरुआती सदस्यों में से एक थे। इनकी पहली फिल्म 1947 की दौलत के लिए थी, लेकिन एज ए लीडिंग रोल हीरो प्रेमनाथ की पहली फिल्म 1948 की फिल्म अजीत थी। फिल्म अजीत में प्रेमनाथ की जो हीरोइन थी वो मोनिका देसाई थी। क्यों अपनी मौत को दावत देने फिर यहाँ चले आए हो? भूल गए उस दिन की पिटाई? ऐसे उसी दिन का हिसाब तो आज चुकाने आया हूँ। ठहराओ, इससे मैं निपटूंगा। तुम भी हट जाओ मुझसे पलटे, हम भी अकेले निपटेंगे। दोस्तों भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान प्रेमनाथ का परिवार मध्य प्रदेश के जबलपुर में आ गया था। प्रेमनाथ के पिता करतारनाथ मल्होत्रा पृथ्वीराज कपूर के करीबी रिश्तेदार थे। प्रेमनाथ की एक बहन कृष्णानाथ मल्होत्रा की शादी राज कपूर के साथ 1946 में हो चुकी थी। कृष्णा कपूर के पति राज कपूर फिल्मों में कार्यरत थे और फिल्मों में अच्छी पकड़ बना रहे थे। कृष्णा कपूर के भाई प्रेमनाथ और राजेंद्रनाथ ने भी फिल्मों में भविष्य तलाशना शुरू कर दिया। सबसे पहले प्रेमनाथ मुंबई पहुंचे और प्रेमनाथ को पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर में काम मिल गया था। प्रेमनाथ की पहली बड़ी सफलता राज कपूर और नरगिस अभिनीत फिल्म बरसात से मिली। मिट्टी में सोना ढूंढने की कोशिश कर रहे विक्की सेठ, सुना है बंबई के डाकू दूसरे डाकुओं से पहचान ऐसे ही करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आज से 10 बरस पहले आपसे मुलाकात हुई थी बंबई में। दक्षिण भारत में मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और यहाँ के पुलिस थाने में जागीरा डाकू के नाम से दर्ज हूँ मैं। मेरी नाम है भूखे मरने का। शराफत कहते हैं बिक जाने और देशभक्ति सिर्फ एक नारा है। जिसने जितना ऊंचा लगाया उतनी बड़ी गद्दी संभाल कर बैठते हैं। दोस्तों अभिनेता प्रेमनाथ ने बतौर हीरो फिल्मों में अभिनय की शुरुआत की थी। औरत, बादल, चंगेज खान, बस कंडक्टर, सन ऑफ सिनबाद, 24 घंटे, आबे हयात, 40 घंटे, शेरे अफगान, समुंदर, अंजाम, अपना घर, जागीर, कातिल और बुजदिल जैसी अनेक फिल्मों में प्रेमनाथ ने एज ए हीरो के रूप में अभिनय किया। लेकिन हीरो के रूप में प्रेमनाथ ज़्यादा सफल नहीं हो सके थे। 1953 की फिल्म औरत में प्रेमनाथ अभिनेत्री बीना रॉय के साथ दिखाई दिए, जिनसे इन्हें प्यार हो गया था। बाद में इन्होंने अभिनेत्री बीना रॉय के साथ शादी कर ली थी। प्रेमनाथ ने PN फिल्म्स लिमिटेड के नाम से अपनी फिल्म कंपनी भी बनाई थी। फिल्म शगुफा और प्रिजनर ऑफ गोलकुंडा फिल्मों का निर्माण भी किया था, लेकिन व्यावसायिक रूप से दोनों फिल्में असफल साबित हुई थी। बाद में प्रेमनाथ ने खुद को सहायक अभिनेता के रूप में स्थापित कर लिया था। 1970 की फिल्म जॉनी मेरा नाम से प्रेमनाथ एक बेहद खतरनाक विलन के रूप में उभर कर सामने आए थे। तो यही वो लैला है जिसकी खातिर इस मजनू की औलाद ने परसों की वफादारी पर थूक दिया। कमीने, मैं साहब का ये सफेद लिबास जो तुमने छीन कर मुझसे पहना था, तुम नहीं जानते ये किस किस के खून से लथपथ है। ये तुम क्या कह रहे हो? भूपेंद्र सिंह, मेरा शुक्रिया अदा करो तुम कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से बचाए हुए हूँ।
वरना चील कौओं की तरह पुलिस तुम्हारा मांस नोचने के लिए तड़प रही है। कानून 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 कौन से कानून? मैं अपने लिए खुद कानून हूँ। मैं रोज कानून बनाता हूँ, रोज तोड़ता हूँ। अभिनेता प्रेमनाथ ने अपने फिल्मी करियर में ना सिर्फ बॉलीवुड में काम किया बल्कि हॉलीवुड की भी कई फिल्मों में अभिनय कर चुके थे। उन्होंने अमेरिकन फिल्म कैनर में काम किया था। इसके अलावा अमेरिकन टीवी सीरियल माया में भी अभिनय कर चुके थे। अमेरिकन टीवी सीरियल माया में उन्होंने 1967 से 1969 तक काम किया। इसके अलावा देवानंद की 1970 की फिलिपिनो फिल्म द इविल विद इन में भी प्रेमनाथ अभिनय कर चुके थे। बॉय, आजकल हमको बहुत अच्छा लगता है। कौन है बदतमीज? होश आ गई है तो सुनो, अब तुम सेठ नंदलाल नहीं हो, नंदलाल भी नहीं हो, सिर्फ नंदू हो, नंदू। दौलत राम, दौलत राम। आरती को ले जाना, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। उस नाचीज का असली नाम है मंगल सिंह, डाकू मंगल सिंह। दोस्तों, अभिनेता प्रेमनाथ ने लगभग 135 फिल्मों में अभिनय किया था। इनको मिलने वाले अवार्ड्स की बात करें तो 1973 की फिल्म शोर, 1974 की फिल्म बॉबी और 1975 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के लिए अभिनेता प्रेमनाथ को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड्स के लिए इनका नाम नॉमिनेट किया गया था। प्रेमनाथ आखिरी बार 1985 की फिल्म हम दोनों में दिखाई दिए। 3 नवंबर 1992 को हिंदी फिल्म संसार का महान सितारा पंचतत्व में विलीन हो गया। हे नाग देवता, मेरी भक्ति और मेरी पूजा की लाज अब तुम्हारे हाथ में है। नेकी और बदी के बीच जंग है। नागिन अपने गंदे इरादे में कामयाब नहीं होनी चाहिए मेरे देवता। ओम नमः शिवाय।